Hello everyone, welcome to my channel Online GS by Diwakar. Today we will discuss about असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो एमपीपीएससी द्वारा आयोजित कराया गया था, तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ था और ये ऑफिशियल की से देखा जाएगा, तो यहाँ पे इसको आप एमपीपीएससी की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को हमारे नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर लैंडफॉर्म्स आर मेड बाय विंड इरोजन। यहाँ पे कह रहा है कि किस समूह की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो पवन द्वारा निर्मित है, यानी कि विंड इरोजन से निर्मित है। तो पवन के जो अपरदन से निर्मित है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड ये पहला वीडियो है, तो इसमें हम लोग लगभग 10 से 20 प्रश्न देखेंगे। तो यदि आपके प्रतिक्रिया जैसी आएगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डिटेल बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि पहले में दिया है कि एस्कर यार्डंग लॉयस, तो ये गलत है। एस्कर जो ये बनता है ये आपका हिम नदियों से बनता है, हिमानी से। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो लोयस है, बालुका स्तूप और लैपिस, तो ये भी नहीं है इसमें। और यहाँ पे देखिए भूस्तंभ, छत्रकशिला, यार्डंग, ये सभी, ये तीनों जो है विंड इरोजन से बनते हैं। और नेक्स्ट है बरखान भूस्तंभ और टुम्बोलो, तो यहाँ पे टुम्बोलो जो ये ओशनिक मतलब समुद्री स्थलाकृतियों में ये आ जाता है। टुम्बोलो ये बनता है जो दो द्वीपीय स्थल भागों को जोड़ने वाले समुद्री स्थल भागों को, तो उसके बीच जो जुड़ने वाली एक ये कह सकते हैं कि मतलब कि स्थल भाग होता है, उसे ही टम्बोलो कहते हैं। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में ये है मिलान करना है, इसमें मिलाएंगे हम देखेंगे। लैंडफॉर्म एक तरफ दिया है, उसके बाद दिया है कि एजेंट ऑफ इरोजन यानी कि अपरदन के कारक कौन कौन से हैं, जैसे नेचुरल लीफ यानी कि प्राकृतिक तटबंध। तो प्राकृतिक तटबंध ये आपका बनता है बहता हुआ जल यानी नदी से। और नेक्स्ट है टेरा रोसा, ये टेरा रोसा आपका बनता है भूमिगत जल से, तो इसमें फोर ऑप्शन हो गया। सर्क ये हिमानी से बनता है, और इंसेलबर्ग आपका ये पवन से बनता है, तो ये हमने देख लिया। और नेक्स्ट में देखिए फोर्थ तीसरा जो क्वेश्चन है कि इसमें दिया है कि नदी अपरदन से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है, तो कौन से क्रम में भू आकृतियाँ डेवलप होती हैं नदी अपरदन में, यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहले गॉर्ज हो गया, फिर फूड प्लेन हो गया, फ्लड प्लेन हो गया, पिटमांड प्लेन, डेल्टा, तो ये गलत है क्योंकि गॉर्ज होता है उसके बाद मतलब कि जब ये आती हैं तो नदियाँ ऊपर से इस तरह से गॉर्ज हो गया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ आती हैं, तो यहाँ पर प्रक्षेपिका जलप्रपात इस तरह से बनाती हुई आगे बढ़ती हैं। तो बाढ़ का मैदान ये लास्ट स्टेज में बनता है, डेल्टा भी लास्ट में बनता है, तलाटी मैदान ये इसके नीचे हो जाता है, तो ये वाला ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट में देखिए गॉर्ज, पिडमांड प्लेन, फ्लड प्लेन और डेल्टा, ये सही है क्योंकि गॉर्ज के बाद जब फुटहिल एरिया आता है यानी पिडमांड एरिया जिसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए गंगा नदी जब हिमालय से उतरती है तो हिमालय में ये बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है, उसके बाद ये आती हैं जो फुटहिल एरिया यानी पर्वतपदीय क्षेत्र में, तो उसे पिडमांड प्लेन भी कहा जाता है। उसके बाद यदि देखेंगे तो फ्लड प्लेन मतलब ये लास्ट स्टेज में बनता है, और उसके बाद डेल्टा बनता है जो जब समुद्र में नदियां मिलने लगती हैं। तो तीन प्रश्न हो गया। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है हेड वॉल, शीर्ष दीवार, तो शीर्ष दीवार किससे संबंधित है, ये सर्क है, नुनाटक है, टॉरन है या युवाकर्ष है, यू शेप्ड वैली है, तो ये सर्क होता है, जो हेड वॉल है ये सर्क होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे लैंडफॉर्म दिया है और उसके अपरदन के कारक इसमें मिलान करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक तरफ दिया है कि इसका ये भूआकृत कौन सी है और उसके एजेंट ऑफ इरोजन कौन कौन से हैं, तो ज्यूगेन और पोलजे, केम और रैपिड्स, तो ज्यूगेन ये आपका हो गया पवन से, पोलजे आपका भूमिगत जल से, केम
के में ये हिमानी से हो गया, और रैपिड सी आपका रैपिड सी यानी एक प्रकार की जल प्रपातिका होती है यानी जल प्रक्षिप्तिका होती है जिसे रैपिड्स की संज्ञा दी जाती है। ये नदियों से बनता है यानी कि नदियों को बहता हुआ जल के अंतर्गत हम कहते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे छठा प्रश्न है कि इसमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे देखिए, हिमोण निक्षेप जनित आकृति है, मोरेन आर डिपोजिशनल फीचर्स। तो ये सही बात है कि जो हिमोण होता है ये डिपोजिशनल फीचर्स होता है हिमानी का। सर के एक अपरदनात्मक आकृति है, तो ये भी सही है। सर की जो इरोजनल फीचर, सर की आपका इस तरह से बनता है या इस तरह से बने रहेगा ऊपर, ये हिमानी वाले में आता है, हिमानी से निर्मित असलाकृति है। नेक्स्ट है कि गिर श्रृंग हॉर्न इज एन इरोजनल, तो ये हॉर्न भी इरोजनल होता है, हॉर्न के ऊपर जो ये सर्क होता है। नेक्स्ट है ड्रमलिन, ड्रमलिन इज अ डिपोजिशनल फीचर्स। ये ड्रमलिन जो है इस तरह से बना होता है, उल्टे नाव की भांति ये एक संरचना बनी होती है, तो इसे ड्रमलिन की संज्ञा दी जाती है। तो ये भी निक्षेप जनित होता है, डिपोजिशनल होता है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट में सेवेंथ नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें मैच करना है। एक तरफ दिया है कि सरफेस, दूसरी तरफ है स्कॉलर्स यानी कि प्रस्तुतकर्ता, किसने किस को दिया था किस। तो यहाँ पे देखिए, पैन प्लेन है, पेडी प्लेन है, पेनी प्लेन और इंड्रम्फ है। पैन प्लेन, पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, इंड्रम्फ। तो यहाँ पे देखिए, पान प्लेन, पेडी प्लेन, संप्राय मैदान और इंड्रम्फ है, इंड्रम्फ। तो यहाँ पे देखिए, जो पैन प्लेन होता है, पैन प्लेन ये किसने दिया था इस संकल्पना को, ये क्रिकमे महोदय ने दिया था, ये क्रिकमे ने दिया था। पेडी प्लेन एलसी किंग ने दिया था, और पेनी प्लेन ये डेविस महोदय का है, और इंड्रम्प ये पिंक का है, पिंक ने इंड्रम्प यूज किया था। और नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान है, एट्थ नंबर का प्रश्न है, हु गेव द स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, यानी कि किसने जो है ये दिया कथन कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है। तो ये आप लोगों को आसानी से आ जाएगा, ये जेम्स हटन महोदय ने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। नेक्स्ट है नाइन्थ नंबर का कि क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है, क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है। तो एरी प्राट हैं, प्राट हैं एरी या हैफोडोवी या जोली हैं। तो ये प्राट महोदय, ये लेवल ऑफ कंपेंसेशन कॉन्सेप्ट के ये इन्होंने ही प्रपोज्ड किया था। तो लेवल ऑफ कंपेंसेशन कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय प्राट। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें टेंथ नंबर का है कि निम्न में से कौन सा सुस्थैतिक संचलन का प्रतिफल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ यूस्टैटिक मूवमेंट। ये स्टैटिक मूवमेंट यानी सुस्थैतिक संचलन का प्रतिफल है। ऑप्शन एक अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंडमास, रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ सी लेवल, और सी है फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स फॉर्म, डी है फॉर्मेशन ऑफ रिवर चैनल। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रोडक्ट ऑफ यूस्टैटिक मूवमेंट है ये आपका रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ सी लेवल होता है, समुद्र तल का उत्थान एवं धसाव से संबंधित होता है। नेक्स्ट है इलेवेंथ नंबर का है, निम्न में से कौन सा भू अभिनति संकल्पना से संबंधित नहीं है, हु वन इज नॉट एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसाइक्लाइन। तो हाल एवं डाना ये संबंधित हैं, और डेविस ये नहीं है, और हॉग ये भी हैं, सुकर्ट ये भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूछा क्या है कि कौन जो है जियोसाइक्लाइन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये डेविस महोदय हैं जो जियोसाइक्लाइन से संबंधित नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये है कि वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार लारेसिया एवं गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था। तो अकॉर्डिंग टू द वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विच सी वाज लाइंग बिटवीन लारेसिया एंड गोंडवाना लैंड, तो पैंथालासा ये नहीं था, प्रशांत महासागर भी उस समय नहीं था, और टेथिस सागर ये था, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के बीच जो सागर था उसका नाम था टेथिस सागर।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन सा निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी की निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियल टोपोग्राफी है, तो मेष शिला यानी कि रासमोटाने, मरीन मोरेन यानी कि हिमोड़, ड्रमलिन केम, ये सभी नहीं है, जबकि ये रासमोटाने ये आपका हिमानी की डिपोजिशनल है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है स्थलाकृति के हिमानी निक्षेपात्मक से, सॉरी ये निक्षेपात्मक से संबंधित नहीं है रासमोटाने, जबकि हिमोड़ ये निक्षेपात्मक है, ड्रमलिन भी निक्षेपात्मक है और केम भी है। तो ड्रमलिन ये उल्टे नाव की भांति होता है, हिमोड़ आपका इस तरह से मोरेन बनता है और केम जो है। तो नेक्स्ट में देखिए निम्न में से कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित की विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है पुष्टि, ये पैलियोमैग्नेटिज्म ये है और तापीय संकुचन ये नहीं करता, जबकि ज्वारी बल है, सागर निथल प्रसार भी है, तो ये थर्मल कंसंट्रेशन ये तापीय संकुचन जो है ये एविडेंस डज नॉट सपोर्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। हाँ, और पंद्रहवां जो है ये निम्न में से कौन सी कास्ट स्थलाकृति है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपोजिशनल कास्ट लैंडफॉर्म, तो कास्ट लैंडफॉर्म का जो डिपोजिशनल है कौन सा नहीं है, तो इसमें है स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट और केप्स और लैपीज, तो इसमें जो है ये लैपीज नहीं है। तो ये रहा है बहुत ही छोटा वीडियो, 15 प्रश्न का है, नेक्स्ट में हम देखेंगे टोटल का लगभग 50 प्रश्न देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि नेक्स्ट वाला अपलोड करें तो ज़्यादा प्रॉफिट हो।